अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ़िलहाल हम तो जा रहे हैं नाज सीरत की दादी के घर पे। मुहर्रम का दिन था और हमारा था रोज़ा, तो शाहजहाँपा ने बोले कि यहाँ पर आके रोज़ा खोलो हमारे साथ, तो हम जा रहे हैं घर पे। तो यहाँ पर हो गई रोज़े की तैयारी। मैं एकदम टाइम पर आई थी क्योंकि घर से निकलते निकलते मुझे टाइम हो गया। और नाज सीरत देखो कितने खुश हो गए आने के बाद में। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, दादी इसलिए ने रोज़ा नहीं रखे और लेटे थे। और यहाँ पर बनाए थे शाहजहाँपा ने मूंग दाल के भजिए और आलू के भजिए। मम्मी ना बीच में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में। मैं मिलने आई थी, बच्चे मिलने नहीं आए थे, तो इसलिए आज बच्चे को भी साथ में लेकर आई हूँ मिलाने के लिए। आज तो मज़े आओगे ना। दादी से क्या क्या फरमाइश करनी थी? पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज। बाद में दादी बोले ना, देख दादी बोले रोज़ा खोल लो उसके बाद। अच्छा ठीक है दादी, रात का खाना खाने से थोड़ी देर पहले ऑर्डर करूंगा। पकाओ। अभी हुए मकरीब का टाइम, तो दादी ना हमेशा नाज को अब पकड़ में ले लिया है कि नाज को अपनी आंखों के सामने नमाज़ पढ़ने बिठाती है ताकि मैं उस पर नज़र रख सकूं। क्योंकि नाज ना नमाज़ पढ़ने खड़ी होती है और गलती करती है, उसको खुद नहीं पता रहता है वो कब ऐसी गलती कर देती है, बाय मिस्टेक हो जाती है उससे। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ेगी। हाँ वही बोले दादी, दादी वो बोले उसकी आवाज़ अच्छी लगती है। और फिर वही हमेशा की तरह मैं यहीं आकर बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा बेडरूम का विंडो ज़्यादा पसंद है, उधर का गैलरी। यहाँ का भी अच्छा है और यहाँ पे अभी हवा चल रही थी ना, तो बहुत तेज़ हवा थी और हल्की हल्की बारिश आ रही थी, तो खुद सोचो कितना अच्छा मज़ा आ रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आ गए, दादी ने मंगा लिए है पिज़्ज़ा, देखो कितने ढेर सारे। और सीरत को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। अगर सीरत कोई अच्छा काम करती है ना, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि सीरत अगर तू अच्छा काम करेगी ना, तो मैं तुझे पिज़्ज़ा दिलाऊँगी। तो आते के साथ उसने पता चल गया, लास्ट टाइम भी दादी ने खिलाए थे, तो आते के साथ दादी को बोलते दादी आज हमें पिज़्ज़ा चाहिए बस, तो वो बस खुश हो गई कि आज तो ढेर सारा पिज़्ज़ा आ गया। अरे तुम खोलो ना, हाँ तो अच्छी दिख रही ना, इसलिए तुम्हें ले सकती हूँ। नहीं लिया था, अरे उस दिन नहीं लिया था ना उसके लिए। एक ये वाला हाँ खोल दे नाज। मुझे इन पैकेट में से लेकिन कीमा आता है बाबा, कीमा पिज़्ज़ा है, ये नहीं चाहिए बिना भाजी वाला बिना कुछ वाला। भाई ये क्या कांदा? तो सुने आप सबने, नासिरत को क्या चाहिए? बिना भाजी वाला, बिना प्याज वाला और बिना गोश्त वाला, मीन्स उसमें नॉनवेज चाहिए ही नहीं। और आज मज़े वाली ये बात है कि इत्तेफाक से सब बता दी नहीं, अभी ओपन करके देखो लास्ट में ना नासिरत का फेस देखना, फिर वो लोग खाएंगे। लेकिन पिज़्ज़ा तो चाहिए है ना अभी। कौन सा वाला? चिकन नहीं है? शायद सबसे नीचे होगा वो। हाँ। वेज था ना इसके लिए। बोला था क्या उसने उस दुकान? चलो खाना शुरू करो। ये भी नहीं है। कौन सा वाला खाते हो? एक बदन पिची खाली है, पी चीज वाला मार्गरिटा ना। हाँ तो सब हाथों से मार्गरिटा क्या है सब में वही है ना नॉन वेज। भाई ये मार्गरिटा है क्या? कौन सा वाला मार्गरिटा है? हाँ तो क्या है वो कांदे वाला? नहीं तो दादी तुम भी खाओ ना। खाना खाने के बाद सीधा वॉक करने के लिए आ गए दादी ना सीरत। हमारा जो लेटर लास्ट में आता है वही लेटर
कराऊंगी मैं, जब अच्छी हो जाएगी ना फिर बड़े करा दूंगी। एकदम इक्वल हो जाए ना, बराबर बराबर अच्छे से। कितने वाले की मम्मी करना किया? 43। 43 वाले की करना किया? क्या होता है? दुआ करो सबको पसंद आ जाए। ना सीरत का फेवरेट है लौकी गोश्त, जो मैं हमेशा बनाती हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे लौकी गोश्त ही बनाना पड़ा क्योंकि वो लोग बहुत शौक से खाते हैं ना, इसके लिए रोटी सालन उसके साथ में, और ना उसको चावल से पसंद है, दोनों को ही बहुत पसंद है। तू भी अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़। अभी रात को नहीं जाना ना, है ना? अभी तो खेलना मान लिया ना, चलो अब मैं आऊंगी, अब नहीं करनी, अब मान के कह रही। चलो तुम भी बोल दो अल्लाह हाफिज़ दादी। अल्लाह हाफिज़। तुम गले नहीं मिलोगी? तुम गले नहीं मिलोगी? अच्छा चप्पल पहने है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले हाँ चले ना चले चप्पल पहन। चलो तुम्हें भी ले लेते। तो मैंने ये स्पेशली अलग से एक वीडियो इसलिए बनाया है, हम लोग मम्मी के घर पे ना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, और मम्मी कुछ दिन पहले ना आईसीयू में थे हॉस्पिटल में, 3 दिन आईसीयू में रहे, 3 के 4 दिन फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था, तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मम्मी की। मम्मी का एक हाथ और एक पैर ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था, तो मैं तो देखकर आ गई थी, मम्मी को मिलकर आ गई थी, लेकिन बच्चे नहीं मिल पाए थे, और फिर मम्मी ना ऐसी तबीयत ख़राब है ना, बच्चों को कुछ ज़्यादा याद करती हैं, और इत्तेफाक से जब मैंने घर में एंट्री की ना, तो उस वक्त ना बच्चों के बारे में ही सपना देख रहे थे। शाम के टाइम गई थी मैं, मम्मी सो रहे थे, और जैसे मैंने अंदर एंट्री की वो ज़ोर से एकदम बच्चों के बारे में कुछ बोले, अरे अरे देख नाज नाज, ऐसा बोले, नाज को बहुत प्यार करते मम्मी, सीरत को भी करते हैं प्यार, ऐसा नहीं, दोनों को बहुत प्यार करते हैं। तो बस यही सोच के चलो, मुहर्रम भी है और रोज़ा भी है, साथ में रोज़ा भी खोल लेंगे और मम्मी से भी मिलकर आ जाएंगे, और फिर स्कूल टाइम में मुझे फुर्सत नहीं मिलती, एक दिन की भी मिलती है तो घर में मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, तो बस मम्मी से मिलकर आ गए थे। और आप सबसे इतना ये कह देता कि मेरे वीडियो को ना प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नहीं मालूम है ना सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो देखो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रहेगा, उसमें सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसको जाके प्रेस कर दें और सब्सक्राइब हो जाता है। हाँ आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप लोग सब्सक्राइब करें। आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 733 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊँगी ना। और हाँ मुझे ये भी बोलना था कि मुझे ना अपने बच्चों को मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, कुछ फ़नी रील रहता है कुछ रहता है ना, तो वही मैं वीडियो में लेती हूँ, और मेरा वीडियो एडिटिंग का टाइम भी ना दोपहर का रहता है, जब देखो सीरत सोई है, नास चली जाती है स्कूल, और सीरत आने के बाद मैं तो एकदम गायब हो जाती है, क्योंकि सीरत का मॉर्निंग का स्कूल है ना, तो सीरत बहुत थक जाती है, उसको ना पहले नींद चाहिए, तो आती है खाना खाती है और सो जाती है, तो इतनी बेहोशी की नींद में सोती है ना, मस्त मेरा अच्छे से एडिटिंग हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता रहता है, तो मैं इतना टाइम मेरा एडिट का रहता है, फिर मेरा कपड़े भी सिलने का रहता है, तो ये मेरे कपड़े रखे सिलने के, जो मुझे बहुत सारे कपड़े सीने हैं अभी, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। मैंने अभी सीरत का एक सिया है, मुझे अपने कपड़े सीने हैं, नास के सीने हैं, तो और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे ड्रेस सी लेती हूँ मैं अपने बच्चों के, नास सीरत के, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये बातें बहुत रहेंगी, जितनी करूँगी ना उतनी बढ़ेंगी, ज़्यादा करूँगी मैं बातें, तो मुझे इतना ही कहना था, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में हमेशा ना सीरत को याद रखें, क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं आगे का वीडियो बनाती मम्मी के घर पे, और बस इतना ही बना पाई थी, हालांकि मैं एक नाइट रुकी भी वहाँ पे, मैं हम लोग सैटरडे शाम को गए थे और संडे की शाम को रिटर्न आ गए थे, 5 बजे के दरमियान वापस आ गई थी मैं, क्योंकि बारिश का टेंशन हो रहा था ना इसलिए। तो बस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें हाँ वीडियो को, और कमेंट्स भी करें कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं और अच्छे कैसे कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कमेंट्स करें,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमेशा ना सीरत को याद रखे। सीरत सोई है? जीलू सो गई। अल्लाह हाफिज़।